हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम आईसीएसई क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन के लीनियर सर्च टॉपिक पर आज उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और मैंने ये प्रोग्राम ब्लूजे के अंदर लिख रखा है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट कर लिया है। स्कैनर क्लास की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम यूज़र से जब हम इनपुट ले रहे होते हैं, तो हमें स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ती है। क्लास का नाम मैंने लीनियर सर्च रखा है एंड मैंने मेन मेथड के अंदर मेरा प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट एससी नाम से बनाया है, स्कैनर एससी करके बनाया मैंने। और एससी अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो जब भी हम इनपुट करेंगे तो हम अब एससी का यूज़ करेंगे। मैंने एक इंट की एक एरे डिक्लेयर करी है, एरे का नाम है ARR। और उसको मैंने 10 एलिमेंट्स तक का, मैंने उसका साइज़ 10 कर रखा है। उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया दैट एंटर 10 एरे एलिमेंट्स। और फिर उसके बाद मैंने एक इंट आई और एक इंट एफ इक्वल ज़ीरो। तो इंट आई की तो वैल्यू फॉर लूप में मैं अपने हिसाब से दे दूँगी, बट इंट एफ मैंने जो एक फ्लैग वेरिएबल लिया जिससे मुझे पता चल जाएगा कि जो भी मेरा एलिमेंट मेरे को सर्च करना था मुझे मिल गया कि नहीं। इसका यूज़ अपन आगे और देखेंगे। तो ये फ्लैग एलिमेंट है और ये एरे का जो लूप जो काउंटर वेरिएबल है वो है। फिर मैंने फॉर लूप लिखी जिसके अंदर मैं यहाँ पे जो एरे के एलिमेंट्स हैं, जो 10 एलिमेंट्स हैं, वो मैं यूज़र से इनपुट कराने वाली हूँ। तो इसलिए मैं 10 बार इनपुट स्टेटमेंट लिखने की जगह मैंने एक फॉर लूप का यूज़ करा है। वैसे ऐसे ही इनपुट करते हैं। एंड फॉर आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो मैंने ज़ीरो से शुरू कराई। वैसे भी एरे में हमेशा जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो से शुरू होती है, जो इंडेक्स नंबर होता है वो ज़ीरो से शुरू होता है। और आई इज़ इक्वल टू लेस देन 10 क्यों करा, क्योंकि मेरा जो आई का साइज़ है वो 10 है, तो इसीलिए लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। और मैंने यहाँ पे ARR ऑफ आई, मतलब आरे का जो ith एलिमेंट है, मतलब आई पोजिशन पे जो एलिमेंट है, जैसे अगर आई की वैल्यू ज़ीरो है तो जो ज़ीरोथ वैल्यू पे जो एलिमेंट है वो ये होना चाहिए जो कि अब इनपुट होगा। तो ऐसे करके 10 एलिमेंट यहाँ पे इनपुट जाएंगे जो यूज़र इनपुट जो यूज़र देगा। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरन नाउ एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च। नाउ हमने यहाँ पे 10 एरे एलिमेंट्स तो इनपुट करवा लिया है। अब हम उनसे यूज़र से पूछेंगे कि अब जो एलिमेंट सर्च करना है अब वो आप इनपुट में करिए। और उसको भी हम फिर एरे स्कैनर क्लास से, एक्चुअली स्कैनर का ऑब्जेक्ट एससी से यूज़ करके हम उसको एन वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे उसकी वो जो एरे एलिमेंट सर्च करना है वो अब आ गया। नाउ एक और दूसरी फॉर लूप हम लेंगे जिसके अंदर हम फिर से यही चलाएंगे, जिसमें आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो से शुरू होगा आई, और लेस देन 10 तक जाएगा और आई प्लस प्लस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अगर जो एरे की ith पोजिशन पे जो नंबर है अगर वो n के इक्वल है, जो कि हमें जो सर्च करना था नंबर अगर वो उसके इक्वल है, तो हम फ्लैग की वैल्यू जो ज़ीरो थी अब उसको हम 1 चेंज कर देंगे और ब्रेक कर देंगे और फॉर लूप को क्लोज कर देंगे। इसके बाद फॉर लूप के बाहर आकर हमने क्या किया है कि अगर f की वैल्यू, जो कि फ्लैग की वैल्यू अगर 1 हो गई, मतलब एरे जो एलिमेंट था जो सर्च करना था वो मिल गया, तो हम प्रिंट करवा देंगे दैट नंबर n जो इसमें वैल्यू स्टोर थी इज़ फाउंड एट दिस i प्लस 1। मैंने यहाँ पे क्यों करा, जो पोजीशन है i प्लस 1, क्योंकि एरे में 0 से शुरू होता है और नॉर्मली हम हमेशा 1 से ही शुरू करते हैं काउंटिंग, राइट। बट एरे के अंदर 0 से शुरू होता है, तो इसलिए मैंने i प्लस 1 कर दिया कि अगर फर्स्ट एलिमेंट भी हो तो उसको 0 की जगह हम 1 बोलेंगे। एल्स नंबर वॉज नॉट फाउंड इन दी एरे। और मैं यहाँ पे क्लास को क्लोज करके इसको मैं क्लोज करके प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाती हूँ। सो रन वॉइड मेन एंड 10 एरे एलिमेंट्स डालने, तो कुछ भी मैं अभी डाल देती हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ उसके अंदर एलिमेंट जो सर्च करना है मुझे, से 16 लिख दिया मैंने, तो नंबर फाउंड एट 6। अब आप खुद काउंट करो यहाँ पे, ये 11 1 होगा, ये 11 आरे में 0 होगा, बट मैंने क्या करा है आई प्लस 1 करा, तो लेट्स 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। और अगर आप चाहो तो एक और बार हम इसको रन करके देख सकते हैं और ऐसा नंबर देता है जो कि आरे में नहीं है, जैसे 14 15 18 19 20। अब मैं ऐसा एलिमेंट डाल रही हूँ जो कि आरे में नहीं है, जैसे 34 डाल दिया, तो ये बोलेगा आरे नंबर 34 नॉट फाउंड इन दी आरे। सो ये हो गया हमारा
आईसीएसई क्लास 10 का लीनियर सर्च, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि दो ही मेन चैप्टर्स आ रहे हैं, एरे और यू नो लाइब्रेरी क्लासेस एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो इसीलिए आप लीनियर सर्च को बहुत अच्छे से कवर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।